अगर आप तेल मिला मिला कर थक गए हो उसके बाद में बाइक आपका एवरेज नहीं देता है, तो बस आपको दो सेटिंग करना है। दो सेटिंग करने के बाद में आपका जो बाइक का माइलेज है वो 90 का माइलेज देगा। दोस्तों अगर कोई भी बाइक है अगर माइलेज नहीं दे रहा है तो किस तरह से पता करेंगे कि हमारा बाइक माइलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कोई भी अगर बाइक है, चाहे आपका हीरो स्प्लेंडर हो या बजाज हो या कोई भी कंपनी का बाइक हो, अगर माइलेज नहीं देता है तो सबसे पहले उसका देसी तरीके से चेक करने के लिए उसका प्लग ओपन किया जाता है। प्लग ओपन करने के बाद में प्लग ही हमारा बता देगा कि हमारा बाइक में माइलेज कितना दे रहा है। बाइक का प्लग अगर व्हाइट कलर का निकलेगा तो समझ जाएंगे कि जो बाइक है हमारा माइलेज दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्लग है, ये देखिए जो हमारा प्लग है ये ब्लैक है, यहाँ पे हमारा ब्लैक है, ये ब्लैक है तो समझ जाएंगे कि जो बाइक है हमारा ये माइलेज नहीं दे रहा। और दोस्तों आपका बाइक का प्लग अगर व्हाइट कलर का है तो आपका बाइक माइलेज दे रहा है, उसको आपको छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। अगर ब्लैक कलर का प्लग निकल रहा है तो उसको आपको क्या करना है, इसको किस तरह से सही करेंगे? तो देखिए इसमें पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खा रहा है, तो इसको हम बाइक का माइलेज पहले सेट करेंगे। बाइक का माइलेज सेट करने से पहले दो तीन सेटिंग करना होता है, उसके बाद में बाइक का माइलेज सेटिंग किया जाता है। अगर इस तरह से अगर माइलेज सेट कर लीजिएगा, यहाँ से हमारा ब्लैक है, उसके बाद में यहाँ से कार्बोरेटर से आप माइलेज सेटिंग कीजिएगा, तो कितना भी माइलेज सेटिंग कीजिएगा मगर क्या होगा, माइलेज सेटिंग करके थक जाइएगा फिर भी बाइक आपका माइलेज नहीं देगा। तो चलिए किस तरह से आपको चेक करना है। माइलेज सेटिंग करने से पहले जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को हमेशा चेक करना चाहिए। एयर फिल्टर क्या होता है, एयर फिल्टर में कचरा चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बाइक माइलेज नहीं देता है। तो कभी भी हमारा क्या होगा, माइलेज सेट करने से पहले आपको एयर फिल्टर चेक करना है। एयर फिल्टर में अगर कचरा होगा तो आपको एयर फिल्टर चेंज कर देना है। मगर ये हम दिखा रहे हैं, ये बाइक का एयर फिल्टर बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में माइलेज सेट करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, माइलेज सेट कीजिएगा उससे पहले बाइक को थोड़ा सा 1 या 2 किलोमीटर चला लीजिएगा, बाइक आपका हीट हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा उसके बाद में बाइक का माइलेज सेट कीजिएगा तो बाइक का आपका माइलेज परफेक्ट देगा। ये बाइक हमारा चल के आया हुआ है, देखिए ये हमारा बाइक हीट है। उसके बाद में इसको माइलेज किस तरह से हमको सेट करना है, बस आप ध्यान से समझिए कि इसका माइलेज किस तरह से सेट किया जाता है। एक बार मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको माइलेज सेट करके दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या करना है, बाइक स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करने के बाद में इधर वाला जो हमारा स्क्रू, हमारा क्या है RPM स्क्रू है, रेस वाला स्क्रू है, इसको जितना टाइट करेंगे, जितना इसको टाइट करेंगे उतना हमारा बाइक का रेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जितना टाइट करेंगे उतना रेस बढ़ेगा। तो इसको क्या करना है, इसको टाइट करेंगे, इसका रेस बढ़ा देंगे, रेस बढ़ाने के बाद में इधर वाला स्क्रू से हमको सेटिंग करना है। ये हमारा एयर मिक्सचर स्क्रू है, इधर वाला एयर मिक्सचर स्क्रू है, इसको कितना पे रखना है, इसको भी सिर्फ कोई कोई मैकेनिक क्या करता है, इसको टाइट कर देता है फिर लूज कर देता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले बाइक का माइलेज सेट करना होगा तो आपको क्या करना है, जो ये हमारा रेस स्क्रू है RPM स्क्रू, इसको यहाँ से हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जब बाइक का रेस बढ़ जाएगा उसके बाद में क्या करना है, इधर वाला स्क्रू को, इधर वाला स्क्रू को टाइट या लूज करके देखेंगे, इसको टाइट भी करके देखेंगे और लूज भी करके देखेंगे। इसको कहाँ पे ले जाकर रखना है, जहाँ पे आपको बाइक में सबसे ज़्यादा साउंड लगे, जहाँ पे लगे कि यहाँ पे हमारा बाइक का साउंड ज़्यादा हो गया है वहीं पे इसको छोड़ देना है। वहीं पे छोड़ने के बाद में फिर ये जो हमारा स्क्रू है RPM स्क्रू, इसको धीरे धीरे लूज करेंगे, इतना पे इसको लूज करना है जितना पे बाइक हमारा बंद ना हो, नहीं तो अगर ज़्यादा लूज कर देंगे तो बाइक बंद हो जाएगा, और ज़्यादा भी इसको टाइट रखेंगे तो बाइक में क्या होगा कि हमारा RPM ज़्यादा रहेगा, रेस ज़्यादा रहेगा। तो चलिए बाइक तो हमारा हीट, इसका सारा चीज़ हम चेक कर लिए हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा चाबी है इसको बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लग को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा बाइक है ये स्टार्ट हो गया है, बाइक हमारा स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा रेस स्क्रू है इसको टाइट करेंगे, देखिए टाइट कर रहे हैं और टाइट कर रहे हैं, और आवाज़ पे भी आप साउंड पे भी ध्यान दीजिएगा, साउंड बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइट कर रहे हैं, जैसे जैसे इसका साउंड बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, देखिए इसका साउंड बढ़ रहा है, और ज़्यादा टाइट करेंगे तो और ज़्यादा इसका साउंड बढ़ेगा, देखिए इतना बढ़ गया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इधर वाला स्क्रू को क्या करेंगे, हम इसको टाइट करके पहले देखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे टाइट करके देखेंगे, देखिए ये टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइट कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, तो इसको कम नहीं करना है और लूज करके देखेंगे कि क्या हमारा साउंड कहाँ पे ज़्यादा है। देखिए अब लूज कर रहे हैं तो इसका साउंड बढ़ रहा है, देखिए यहाँ साउंड बढ़ रहा है, देखिए यहाँ साउंड ज़्यादा लग रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा साउंड है। अब क्या करेंगे, इधर वाला कम धीरे धीरे, और यहाँ पे हमारा ज़्यादा साउंड था, और उसके बाद धीरे धीरे इधर वाला जो स्क्रू है इसको धीरे धीरे हम लूज करेंगे, धीरे धीरे लूज करना है, इतना पे लूज करना है, एक बाइक लूज कर दीजिएगा तो बाइक बंद हो जाएगा, इसको धीरे धीरे से लूज के करेंगे जितना पे बाइक हमारा बंद ना हो। देखिए
तो इतना पे रखेंगे, इतना इससे ज़्यादा अगर लूज करेंगे तो बाइक हमारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसी तरह से अगर आप सेट कीजिएगा बाइक का माइलेज, कोई भी बाइक को अगर इस तरह से सेट कीजिएगा तो आपका बाइक 100% माइलेज देगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।